भारत की एक योजना से बेकार हो गए चीनी सी वेपन्स। भारत के अडानी ने बनाया ऐसा पहला मायावी हथियार जिसने एंट्री मारते ही चीन के सपनों को मिला दिया मिट्टी में। अरब सागर और हिंद महासागर में भारत लेकर आया जोरदार तूफान। दोस्तों, कुछ दिनों पहले से कुछ घटनाएं हो रही हैं समुद्र के रास्ते। आप लाल सागर के समीप हूती विद्रोहियों का आतंक देख रहे होंगे। यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में खुद भारत के सामने भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि भारत के मालवाहक जहाज इस रास्ते से जाने से कतराने लगे हैं। वहीं इसके बाद लाल सागर के नीचे की तरफ यानी अरब सागर में सोमालिया के तट पर एक अलग ही कहानी बनी हुई है। यहाँ पर समुद्री लुटेरों ने गजब का आतंक पैदा किया हुआ है। हाल ही में एक जहाज को इन्होंने अगवा कर लिया था जिसमें 15 क्रू मेंबर्स भारत के थे। इन्हें छोड़ने के बदले इन समुद्री लुटेरों ने फिरौती मांगी थी। हालांकि भारत ने एक ही झटके में मात्र 3 घंटे में ऑपरेशन करके इन सभी भारतीयों को छुड़ा लिया। लेकिन भारत अब ऐसे नमूनों को सख्त जवाब देना चाहता है और ये भी चाहता है कि भारत अपनी जमीन पर बैठकर ही इन विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों को, साथ ही अरब सागर में चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर जो घटनाएं कंडक्ट करते हैं, इनको भारत दूर से ही सख्त जवाब दे सके, वो भी खुद के बनाए हथियार से। अब ऐसा काम एक ही चीज कर सकती है, वो है यूएवी ड्रोन। लेकिन भारत अब खुद के बनाए हथियार से मिशन करना चाहता है। हालांकि भारत के पास MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन है जिससे भारत कोई भी मिशन कर सकता है, लेकिन बात तो यहां पर स्वदेशी हथियार की है। दोस्तों, अब इस दिशा में अरब सागर और लाल सागर पर घट रही इन घटनाओं और साथ में मालदीव्स के साथ पैदा हो रहे तनाव के बीच भारत ने वो हथियार उतार दिया है जिसके बाद इस हथियार की बदौलत एक खास तरह से एलीट क्लब में शामिल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने खुद की तकनीक और खुद के उपकरणों से एक ऐसा यूएवी ड्रोन तैयार कर लिया है जो समुद्र में किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे पाएगा। इस नायाब और मायावी हथियार का नाम रखा गया है यूएवी दृष्टि 10। इस ड्रोन को बनाया है भारत की अडानी कंपनी ने। जैसे ही भारत ने इस कमाल के ड्रोन को उतारा, वैसे ही पश्चिमी देशों और चीन की आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि इन देशों को ये तो पता था कि भारत तेजस और ब्रह्मोस जैसे कमाल के हथियारों की तकनीक रखता है, लेकिन ये पता नहीं था कि भारत ऐसे ड्रोन बनाने की तकनीक भी रखता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि शानदार ड्रोन की ताकत के बारे में जिसने भारत के पड़ोसियों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। भारत के दृष्टि 10 स्टार लाइनर की भयंकर एंट्री, खासियतों को देख अमेरिका और रूस भी चौंक पड़े। दोस्तों, भारत के इस ड्रोन में ऐसी ऐसी कमाल की खासियतों को ऐड किया गया है कि चीन, रूस और अमेरिका, जो ड्रोन तकनीक के मामले में काफी आगे हैं, ये देश भी हैरान रह गए हैं। भारत ने इस ड्रोन को बनाने में अपने एक खास दोस्त देश की मदद ली है जिसका नाम है इजराइल। इजराइल ने तकनीक ट्रांसफर रणनीति के तहत इस ड्रोन को तैयार करने में भारत की मदद की है। अब भारतीय नौसेना जल्द ही पहले स्वदेश निर्मित स्टार लाइनर ड्रोन दृष्टि 10 को अपने सुरक्षा बेड़े में शामिल करने जा रहा है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन स्वदेशी निर्मित है और इसे अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल की मदद से स्वदेश में ही विकसित किया है। इसके 70% उपकरण स्वदेश में ही बने हैं। अदानी एयरोस्पेस ने इस ड्रोन को नौसेना से समझौते के तहत 10 महीने में ही सौंप दिया है। इस ड्रोन को स्टैंग 4671 सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। इसके चलते ये नेटो सदस्यों के हवाई क्षेत्र में भी संचालित हो सकता है। दृष्टि ड्रोन पहला प्रमुख हथियार है जिसे भारतीय सैन्य बल को अडानी डिफेंस की तरफ से डिलीवर किया गया है। ये ड्रोन एल्बिट सिस्टम के हर्मीस 900 स्टार लाइनर ड्रोन का एक। दृष्टि 10 स्टार लाइनर की खासियतें। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन सभी तरह के मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। अडानी डिफेंस की तरफ से डिलीवर ये ड्रोन 70% स्वदेशी है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रखकर
कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता है। ड्रोन में 3 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं, जो पेलोड के लिए होते हैं। जरूरत पड़ने पर इसमें हथियार भी फिट किए जा सकते हैं। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन एक एडवांस्ड खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है। दृष्टि ड्रोन की मेंटेनेंस जरूरत भी बहुत कम है, इस वजह से ड्रोन को ऑपरेट करना ज्यादा आसान है। ड्रोन में बेहतरीन एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और लाइट ऑफ साइट डेटा लिंक शामिल है, जिससे सुरक्षित तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ड्रोन की लॉन्चिंग और इसकी डिलीवरी लेने के लिए हैदराबाद में ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का इस्तेमाल करके नौसेना और सेना के जरिए ऑर्डर किए गए 4 ड्रोन में से ये पहला ड्रोन है। नौसेना और सेना को 2-2 दृष्टि ड्रोन डिलीवर किए जाने हैं। आने वाले महीने में बाकी के ड्रोन की डिलीवरी होने वाली है। सशस्त्र बलों को ऐसे करीब 100 ड्रोन की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में समुद्र में भारतीय नौसेना के लिए चीन और पाकिस्तान लगातार चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ ने भारतीय नौसेना को उसकी निगरानी के लिए मजबूर किया है। चीनी जहाजों को अक्सर ही हिंद महासागर में देखा जाता है, जो भारत के लिए सुरक्षा चिंता पैदा करते हैं। चीन अपने जासूसी जहाजों की तैनाती श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर करने लगा है, जिसे उसने 100 साल की लीज पर ले लिया है। वहां से वो भारत की मिलिट्री संस्थाओं और भारत के जो रक्षा प्रतिष्ठान हैं, जहां पर भारत के संवेदनशील हथियार रखे गए हैं, उनकी जासूसी करने पर उतारू हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत जब किसी मिसाइल की टेस्टिंग के लिए नोटम वार्निंग जारी करता, तो चीन का युआंग वांग 5 जासूसी पोत पहले ही भारत के दक्षिणी जल क्षेत्र में पहुंच जाता। इस वजह से भारत को या तो मिसाइल की टेस्टिंग रोकनी पड़ती थी और टेस्टिंग के लिए कोई और डेट रखनी पड़ती थी। यही वजह है कि चीन का यह ड्रामा भारत हमेशा के लिए बंद करना चाहता है, और भारत ऐसा खुद के बनाए हथियारों से ही करना चाहता है। यही कारण है कि भारत के इस मकसद को पूरा करने के लिए भारत ने अपना पहला UAV ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइनर उतार दिया है, और अभी तो कई और ऐसे ड्रोन लाइन में हैं जो पूरे होने वाले हैं। यानी भारत चीन को दनादन कई और झटके देने वाला है। वहीं दूसरी ओर भारत के इन हथियारों से अरब सागर और लाल सागर में जो गंध फैली हुई है समुद्री लुटेरों और हूती विद्रोहियों की वजह से, वो भी निपट जाएगी। दोस्तों, भारत के इस कमाल के UAV ड्रोन को बनाने वाले वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में इस पूरी रिपोर्ट पर आपका जो भी कुछ कहना हो कमेंट जरूर कीजिएगा।